बूढ़ी गंगा अपनी गाय कपिला को चारा डालते हुए बोली, कपिला ये ले हरी हरी घास खा, तू गर्भवती है, पेट भर कर खाएगी तो तेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। मुझ बुढ़िया का एक तू ही तो सहारा है। कपिला गाय ने मन ही मन सोचा, और मेरा सहारा तुम हो माँ, कितना ख्याल रखती हो मेरा। गंगा अपनी गाय कपिला को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी, और उधर कपिला भी गंगा को अपनी माँ जैसी ही समझती थी। दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा था, मगर यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक न रह सका। एक दिन अचानक ही गंगा चल बसी और कपिला अनाथ हो गई। कपिला गंगा की चिता के पास खड़ी सोचती है, माँ तुम तो मुझे अनाथ करके चली गई, अब पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा। यह कहकर कपिला वहाँ से चल देती है। गंगा धार्मिक विचारों की महिला थी, और उसके साथ रहने के कारण कपिला में भी गहरी धार्मिक आस्था पैदा हो गई थी। कपिला महादेव की सच्चे मन से भक्ति करती थी, इसीलिए वह रंभाते हुए शिवलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हे महादेव, मेरी गंगा माँ को बैकुंठ में जगा देना, साथ ही मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की रक्षा करना भोलेनाथ। उस दिन के बाद कपिला गांव के पास जंगल में भटकने लगती है। वह भूख लगने पर हरी हरी घास चरती और फिर जंगल में पुराने शिवलिंग के पास आकर आराम करती। सोते जागते और उठते बैठते वह बस महादेव का नाम ही रटती रहती, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक दिन कपिला को जोर की भूख लग जाती है, तो वह सोचती है, आज तो बहुत भूख लगी है और नदी के पास उगी कोमल कोमल घास खाने का मन है, आज उधर ही जाती हूँ। यह कहकर कपिला कोमल घास की चाह में नदी की तरफ चल पड़ती है। उसी समय रतिया नाम का कसाई जंगल में किसी जानवर का शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। रतिया जब कपिला को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है, और वह खुद से कहता है, वाह जी वाह, ये गाय तो बड़ी ही हृष्ट पुष्ट है और गर्भवती भी लगती है, क्यों ना इसे घर ले चलूं, जब तक दूध देगी इसका दूध पीऊंगा, और जब दूध देना बंद कर देगी तो इसे काट दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। यही सोचकर रतिया गाय को रस्सी से बांधकर घर ले आता है और सबसे छिपाकर एक छप्पर में बांध देता है। गाय रंभाने लगती है तो रतिया उसके आगे घास डालकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे मैं एक कसाई हूँ, जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना और खाना मेरा पेशा है, पर याद रख, तू जब तक मुझे दूध देती रहेगी मैं तुझे नहीं मारूंगा। कसाई की यह बात सुनकर कपिला बहुत घबरा जाती है, मगर फिर मन को तसल्ली देते हुए खुद से कहती है, अरे भले यह आदमी कसाई है, मगर फिर भी जब तक मैं इसे दूध देती रहूंगी यह मुझे नहीं मारेगा, इसीलिए मैं इसकी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। यही सोचकर कपिला शांत भाव से कसाई के घर रहने लगती है। कसाई कपिला की खूब सेवा करता और उसे पौष्टिक आहार देता, इस कारण कुछ ही दिनों में कपिला की सेहत और भी अच्छी हो जाती है। यह देख कपिला खुश होती है और मन ही मन सोचती है, यह कसाई तो मेरा बहुत ख्याल रखता है, जब मेरा बच्चा जन्म लेगा और मेरे थनों में दूध उतरेगा तब मैं इस कसाई को दोनों वक्त बाल्टी भर भर के दूध दूंगी। हाँ, मगर रतिया एक कसाई था और इसी कारण उसे हर जानवर में बस मांस ही दिखता था। वह अपने घर कोई जानवर पालता भी था तो उसे काटने के लिए ही पालता था। एक दिन उसके पास मांस का एक बड़ा ऑर्डर आता है, तो वह कपिला की ओर देखते हुए कहता है, क्यों ना इस गाय को काट कर बेच दूं? अरे किसे पता चलेगा कि मांस गाय का है या जंगली भैंसे का। यही सोचकर कसाई कपिला को काटने के लिए तैयार हो जाता है, और कपिला थर थर कांपते हुए महादेव को याद करती है और कहती है, हे महादेव, मैंने तेरी मन से भक्ति की है, मेरी भक्ति की लाज रखो भगवान, और इस कसाई से मेरी और मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे की रक्षा करो। कपिला के यह कहते ही
शिवलिंग से एक नाग निकलता है और कसाई के घर प्रकट हो उसे डस लेता है। हाय हाय, नाग ने डस लिया मुझे। अरे गाय को काटने की बात सोचकर बहुत बड़ा पाप किया मैंने। भगवान ने मुझे मेरे उसी पाप की सजा दी है। हाय रे। यह कहते हुए कसाई वहीं मर जाता है और महादेव के चमत्कार से कपिला कसाई की कैद से आजाद होकर जंगल की ओर चली आती है और कहती है, हे महादेव, तूने मेरे और मेरे बच्चे के प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस दिन के बाद कपिला जंगल में ही रहने लगती है। धीरे धीरे बच्चे को जन्म देने का समय निकट आता है तो कपिला का घूमना कम होता जाता है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करती और उसी के आसपास चर लेती। वह हर समय अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती और कहती, मुझे बेटा हो या बेटी, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार दूंगी, अपने बच्चे के साथ खेलूंगी और उसे भी महादेव की भक्ति के लिए प्रेरित करूंगी। एक दिन कपिला घास चरने जाती है तो उसे प्यास सताने लगती है। मुझे तो बहुत प्यास लगी है पर थक भी तो गई हूँ, फिर नदी पर पानी पीने तो जाना ही पड़ेगा। यही कहकर कपिला नदी पर पानी पीने के लिए चली जाती है और जब वह पानी पी रही होती है तो अचानक ही उस पर एक भूखे बाघ की नजर पड़ जाती है। बाघ कहता है, वाह, आज कई दिनों के बाद कोई बड़ा शिकार मिला है, बहुत भूखा हूँ, अब तो इसे खाकर ही पानी पीऊंगा। यह कहकर बाघ कपिला पर पीछे से झपट कर पड़ता है और उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। खून बहने लगता है और कपिला दर्द से कराह उठती है और कहती है, आह हे महादेव, मेरी रक्षा करो, मुझ पर तो संकट पर संकट आ रहे हैं। कपिला जैसे ही महादेव को याद करती है, महादेव उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बाघ, तुम अपने भोजन के लिए कोई और शिकार ढूंढो, कपिला मेरी भक्त है और मैं अपने भक्त की हमेशा रक्षा करता हूँ। यह सुनते ही बाघ कपिला को छोड़ भाग जाता है और महादेव अपनी दिव्य शक्ति से कपिला के घावों को ठीक कर देते हैं। फिर कपिला को अपना आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, कपिला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, आज के बाद तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा सदैव सुखी रहेंगे, अब तुम पर कोई संकट नहीं आएगा। यह कहकर महादेव अदृश्य हो जाते हैं और कपिला जंगल में आगे बढ़ती है तो उसे एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी कपिला से कहते हैं, हे गौ माता, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलकर रहें, इससे हम साधुओं को आपकी सेवा और आपके अमृत समान दुग्ध पान करने का अवसर मिलेगा। कपिला महात्मा जी की बात मान लेती है और खुशी खुशी महात्मा जी के आश्रम में रहने लगती है। कुछ दिन बाद वह बहुत ही सुंदर बछड़े को जन्म देती है और इसी खुशी में आश्रम में उत्सव मनाया जाता है। इस पर कपिला खुश होकर महादेव का धन्यवाद करते हुए कहती है, हे महादेव, तेरी कृपा से मुझे संत महात्माओं का साथ मिल गया, यहाँ मैं और मेरा बच्चा बहुत खुश रहेंगे। उस दिन के बाद कपिला और उसके बच्चे पर कोई संकट नहीं आता, वे दोनों संतों के सानिध्य में सदैव ईश्वर भक्ति में लीन रहते हैं।